ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी और हुन गल कर दिया मौसम दी। इस वेले पूरा उत्तर भारत सीत लहर ते धुंद दी लपेट विच है। मौसम दी मार हेठ सड़की अते रेल आवाजाई भी आई है, जिस नाल लोकां नूं बेहद मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। उते मौसम विभाग ने कहा कि 11 जनवरी नूं मीह पैण दी भविष्यवाणी मौसम विभाग वल्लों कीती गई है। पंजाब हरियाणा ते यूपी विच हल्की बूंदाबांदी दी संभावना दसी जा रही है। कश्मीर दे कुछ इलाकियां विच भारी बारिश जां फिर बर्फबारी हो सकदी है। हिमाचल प्रदेश विच 12 जनवरी नूं भारी बारिश जां फिर बर्फबारी होण दी उम्मीद कीती जा रही है। उत्थे जेकर तस्वीरां विच वेख्या जावे विजिबिलिटी इन्नी घट है कि जो वाहन ने इस समय भी हेडलाइट जगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस वेले की तस्वीर जी नजर आ रही है कि ठंड जी है कड़ाके की पै रही है। पत्रस साढ़े नाल इस वेले जुड़ चुके हैं। पत्रस, इस वेले देखिए तो पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड नाल जूझ रहा, उत्थे धुंद बड़ी वड्डी मुश्किल खड़ी कर रही है। इस वेले की कुछ तस्वीर सवेरे नजर आ रही है। बिल्कुल राजा, देखो मौसम विभाग के वालों पिछले कुछ दिनों तो पंजाब के बहुते हिस्सों रेड और ऑरेंज अलर्ट के उत्ते रखा गया है। कहने का भाव कि बेहद संघनी धुंद के नाल नाल सख्त चेतावनियां जिहड़ियां मौसम विभाग के वालों जारी की गई सन, लोगों को सावधान रहने की अपील की गई सी। पर अज की जो तस्वीर हैगी जलंधर का अंदरूनी हिस्सा जो है तुम वेख रहे हो, शहर के धुंद की जी घट जी मात्रा जी आख सकते हो कि धुंद जी घट नज़र आ रही है। पर आउटर इलाकों के क्योंकि जो हाईवेज होंगे आले दुआले खेतों को कणकों को पानी लगा होंगे तो थोड़ी धुंद की जी ज़्यादा संघनी धुंद जी महसूस की जा सकती है। पर नाल दी नाल तुम्हें भी दस दिए कि इस वक्त सीत लहरां लगातार चल रही ने और इस वक्त का टैंपरेचर जलंधर का 6 डिग्री टैंपरेचर है और अज भी जिहड़ा येलो अलर्ट मौसम विभाग के वालों जारी किया गया और जो हुण तक की प्रेडिक्शन हैगी है 10 बजे के करीब इस तरीके का मौसम बने रहने की संभावना है। 10 बजे तो बाद सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं। मैक्सिमम जो टैंपरेचर है वह 17-18 डिग्री के आसपास रहने की भविष्यवाणी की गई है। तो आने वाले दिनों में भी इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना हैगी है। पर नाल दी नाल इस सारे मौसम के दरमियान असं लोगों को यही अपील करते हैं कि जो भी सड़क से निकलते हो सावधान होकर अपनी गड्डियों को कंट्रोल करके कहने का भाव कि स्पीड घट करके सड़क से निकलो, क्योंकि हुण तक के जो अंकड़े सामने आए हैं ज्यादा जो हादसे ने धुंद में ओवर स्पीडिंग करन हुए हैं तो अजिही किसी पास कोई दुखदायी खबर ना आए यही असं कामना करते हैं। पर हाल की कड़ी पूरा उत्तर भारत जो है वह कड़ाके की ठंड की लपेट के सीत लहरों की लपेट के इस वक्त पूरी तरह जकड़िया होया है। जी राधा, पत्रस तुहाडे पिछे भी असीं तस्वीरां विच वेख पा रहे हां कि वाहन पहलां नालों घट नज़र आ रहे ने। बिल्कुल, देखो हालांकि अजिहे सवेर दे वेले विच काम कार दा समां हुंदा है वड्डी गिणती जां स्कूलां दीआं गड्डियां जिहड़ियां सड़कां ते दौड़दियां नज़र आउंदियां ने। जिस तरीके नाल पंजाब सरकार दे वल्लों पिछले दिनां च अनाउंस भी कीता गया, स्कूलां दा समां भी तब्दील कीता गया, कुछ क्लासां नूं राहत भी दित्ती गई कि उह स्कूलां तों उहनां नूं छुट्टी रहेगी। पर यह मौसम का असर असीं कह सकते हैं कि एक तो सड़कों पर वाहन घट दौड़ते नज़र आते हैं, लोग घरों में रहने मजबूर है और जोड़े लोग वाहन निकल भी रहे हैं तुम पिछले वेख रहे हो कि हैडलाइट्स जरूर लोगों के वालों ऑन की गई। एक चंगी गल भी हैगी है क्योंकि जो धुंद में सड़क पर निकलते हैं तो जिनी सावधानी वरती जाए उन्नी घट है। पर इस गल कोई शक नहीं है कि जरा दसंबर के अध तो लगभग 18-19 दिसंबर तो जब तो धुंद पैनी शुरू हुई है जनजीवन पूरी तरह के प्रभावित होया पाया, सड़की आवाजाई प्रभावित हुई पई है, रेलां पूरी तरह प्रभावित हुई पई ने, दर्जना रेलां जिहड़ियां ने रद्द ने, बहुत सारिया ट्रेन जिहड़ियां ने निर्धारित समय तो देरी नाल चल रही ने। तो यह कड़ाके की ठंड और धुंद और सीत लहरां का असर है जिसने उत्तर भारत को पूरी तरह इस वक्त ठार के रखा होया है। जी बिल्कुल पत्रस, क्योंकि जिस तरह के नाल हालात बने हुए ने, धुंद जी है लगातार पिछले कई दिनों देखा कि संघनी धुंद छाई रही है, कई बार सड़की हादसों की खबर लगातार सामने आई ने। हालांकि आज कुछ राहत मिल रही है लेकिन की कुछ मौसम विभाग का कहना है धुंद को खास तौर पर लैके, क्योंकि यह बड़ी परेशानी खड़ी करती है भावे सड़की आवाजाई होवे, रेल होवे या हवाई सेवा होवे। देखो राजा, जो मौसम विभाग की प्रडिक्शन हैगी है पंजाब के वक्-वक् जिलों में लैके जो असं उस पर नज़र मारते हैं तो चाहे दुआबे के जिले है जो 4 उस तो अलावा पछमी मालवा के कुछ जिले है उन्होंने अज येलो अलर्ट के रखा गया है। अज धुंद रहेगी पर कितना कितने थोड़ी जी राहत दोपहर के वे लोगों को जरूर मिल सकती है कि सूर्य देवता दोपहर के वे दर्शन दे सकते हैं, हल्की कोसी धुप जरूर लोगों को कुछ समय के वास्ते दोपहर के वे मिल सकती है। पर सवेर और शाम के वेले एक बार फिर संघनी धुंद का सामना करना पड़ेगा और संघनी धुंद तो हले लोगों को निजात मिलती नजर आने वाली नहीं है। अगले दिनों के दौरान जिम्मे मौसम विभाग के वो हल्की बूंदाबांदी की प्रडिक्शन जरूर की गई है, जिम्मे पिछले दिनों हल्की जी बूंदाबांदी हुई थी पर उस कोई मौसम के उत्ते ज्यादा असर नहीं पिया। सुकी ठंड लगातार बरकरार है, लोगों की सेहत बिगड़न के नाल नाल जिथे सड़की हादसे हो रहे हैं उत्थे लोगों को कई तरह की सावधानियां वरतन की वार बार सेहत माहरां दे वल्लों भी अपील की जा रही है। जी राधा जी, पत्रस शुक्रिया फिलहाल दी इस सारी जानकारी लई। सोए इस वेले जलंधर दे हाल दिखाए ने और यही हाल पूरे उत्तर भारत विच जिथे कड़ाके की ठंड पै रही है अते इस नूं लैके लोग जिहड़े ने क्योंकि खासकर संघनी धुंद वड्डी परेशानी खड़ी कर रही है।